ये पहली बार कमलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार कमलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों। व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए, कहना है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे मालिक मेरे ईश्वर मेरे दाता ये झुल्लुर मांगता तुझसे। नमस्कार, आप मेरे बगल में जो बैठे हैं ये झुल्लुर दादा हैं, जो अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। इनका गाना जो है समझिए कि बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, और रील बनाने के बाद कहें तो दादा का रील मिलियन में बन रहा है। शायद इतना ही सोचे भी नहीं थे, सोचे थे कि मिलियन में हमारा रील बनेगा? नहीं सोचे थे। आप तो भी नहीं सोचोगे कि मिलियन में कोई देखेगा? हाँ, ये भी नहीं सोचे थे। और यहाँ तो 1 मिलियन लोगों ने रील बना दिया है। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक है, जिस गाने से लोग आपको जानने हैं, चर्चा में आए हैं, उस गाने को दर्शक को सुनाने का प्रयास कीजिए। मैं सुनाने से पहले, आज जहां से मुझे एनर्जी मिली है या आज मिल रही है, मैं वहां का नाम लेना चाहूंगा। ले लीजिए। एक गांव क्या, कौन? गोरखपुर शाहजानवा लखनापार। जी, ये श्री रामचंद्र जी की भूमि है। ये यहीं से मैंने अपनी कॉमेडी की शुरुआत किए थे। तो मैं सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र जी का नाम लेना चाहूंगा, तो मैं वो गीत सुनाना चाहूंगा जो मैं गाया था। ये पहली बार कमलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार कमलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। यही इतना क्लिप मेरा वायरल हुआ था। बहुत वायरल हुआ है, है ना? थोड़ा नहीं, बहुत वायरल हुआ है। हाँ, ये तो कैसे वायरल होगा? आपको पता कब चला कि हम वायरल चल रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है, मुझे मेरे जो दिवाकर भाई हैं, दिवाकर शर्मा जी, अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक, उन्होंने मुझे संदेश दिया कि दादा आप वायरल हो चुके हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया तो मुझे तब तक तो उतना ज्यादा खुशी नहीं था, था कि हाँ मेरा वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं आया तो लोग आने लगे मेरे पास, आप जैसे नवयुवक माइक ले लेके। आपका न्यूज चैनल का है डीडीसी न्यूज, कहाँ से हैं आप? बेतिया से, बहुत दूर से आए हैं। तो आप जैसे नौजवान जब दूर दूर से मेरे पास आने लगे, नेपाल से, बिहार से, मेरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, हरियाणा से लोग अपना अपना न्यूज चैनल लेके आने लगे, तो मेरे को बहुत खुशी मिला। अब जाके मुझे पता चला है कि नहीं, दादा को भी सबका सपोर्ट प्यार मिल रहा है। अच्छा, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या बोलिएगा दादा? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि उम्र के साथ साथ तजुर्बा बढ़ता है। तो मैंने जिंदगी में बहुत ठोकर खाए हैं, तो मैं अपने तजुर्बा के साथ में मैं यही कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को डीडीसी न्यूज के माध्यम से कि आप लोग अपना संघर्ष कभी मत छोड़िएगा। समाज में आपको आप प्रताड़ित भी किए जाएंगे, आपको रोका भी जाएगा, लेकिन आप अपना कार्य मत छोड़िएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, आपका कार्य ऐसा हो कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। आप कामयाब एक दिन जरूर होंगे। मैं आपके डीडीसी न्यूज चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो जाते जाते एक शायरी सुना दीजिए हमारे दर्शकों। मैं अपने दर्शकों को या आपके डीडीसी न्यूज के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि चंद पंक्तियों की लाइनें हैं, सुनिएगा बड़े गौर से कि कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए,
कहना है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये झुल्लुर मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए। क्या बात है। चलिए, मेरा प्रयास झुल्लुर दादा के साथ कैसा लगा इस गोरखपुर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।